सबसे पहले महापिता परमेश्वर गुरु शिव के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकारो, और तमाम मेरे वीडियो देखने वाले सभी गुरु भाई एवं गुरु बहनों को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकारो। मैं आप लोगों के बीच आज ये वीडियो को लाने का मकसद है कि साहब जी के फेसबुक पेज के द्वारा कुछ सूचनाएँ हम सभी गुरु भाई जो गलती करते हैं उनके लिए कुछ सूचनाएँ आए हैं, तो मैं आप लोगों को उस सूचना के बारे में आप लोगों को सूचित करना चाहता हूं। तो आइए मैं इस वीडियो को यानी साहब जी की सूचना को आपको दिखाते हैं, पेज पे आप देख सकते हैं। संशोधित सूचना दिनांक 31 जुलाई तक कोरोना वायरस के कारण शिव चर्चा स्थगित की गई थी, परंतु वायरस के बढ़ते प्रकोप के चलते सभी तरह की शिव चर्चा तथा साप्ताहिक, मासिक, फटाफट या किसी भी तरह की शिव चर्चा दिनांक 31 अगस्त 2020 तक सभी जगह देश और विदेश में भी स्थगित रहेगी। तो साहब जी का कहने का मतलब हुआ कि जो शिव चर्चा 31 जुलाई तक साहब जी बैन कर रखे थे, तो कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को लेकर शिव चर्चा को 31 अगस्त 2020 तक बैन कर दिया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जब तक साहब का आज्ञा नहीं, सूचना नहीं आया हुआ से कि शिव चर्चा चालू हो, तब तक बैन ही रखें। चलिए आगे चलते हैं। यह भी पाया गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक या सोशल मीडिया में कुछ शिव शिष्या भ्रामक चीज़ें पोस्ट करते हैं, और बहुत सारी जगहों पर यह भी पाया गया है कि कुछ यथाहित लोग शिव चर्चा के नाम पर शिव शिष्या और शिव शिष्याओं को भ्रमित कर रहे हैं। यानी कुछ ऐसा लोग हैं जो सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ गलत चीज़ मतलब फैला रहे हैं शिव शिष्याओं के बीच। तो ऐसा ना करें, इनके लिए क्या आगे पढ़ते हैं। जो लोग भी इकट्ठा करते हैं वैसे लोग सावधान हो जाएं, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। वैसे लोग मतलब सतर्क हो जाएं जो ऐसा काम करते हैं, नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपसे आग्रह है कि सरकार द्वारा प्राप्त सोशल मीडिया के उपयोग एवं कोरोना से बचाव के लिए दिए गए निर्देशांकों का पालन करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के भागीदारी आप लोग भी बन सकते हैं। तो आप लोगों से साहब जी रिक्वेस्ट करके पोस्ट किए हैं कि आप लोग जो भी लॉकडाउन के बीच शिव चर्चा करते हैं, भीड़ इकट्ठा करते हैं, उन सभी से कि शिव चर्चा ना करें, अन्यथा आप लोग भी कानूनी कार्रवाई के भागीदारी हो सकते हैं। तो आगे चलते हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद जी का स्वास्थ्य अच्छा है और वे लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रहे हैं, और आपसे भी अनुरोध करते हैं कि घर में रहें और सुरक्षित रहें। अर्चित आनंद, आप्त सचिव साहब श्री हरिंद्रानंद जी, रांची, झारखंड। तो साहब जी के स्वास्थ्य अच्छे हैं और वो ठीक हैं। साहब जी सभी सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं, और साहब जी आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि घर में रहें और सुरक्षित रहें। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए, सभी गुरु भाई तक इस सूचना को पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। मैं आप लोगों का दोस्त डीके हिंदुस्तानी।